अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। आज हम ग्रेवी वाला चिकन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 1 किलो चिकन ले लिया, दरमियाने साइज़ के 2 प्याज मैंने इस तरह काट कर लिए हैं, और 2 ही टमाटर थे, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हम ज़ीरा लेंगे साबुत, ज़ीरा पाउडर लेंगे, और चिकन मसाला थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था, और लहसुन और अदरक को हमने इस तरह पीस लिया। तो शुरू करते हैं जी। ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ये पैन में थोड़ा सा ऑयल हमने लेना है ज़्यादा, जिसमें हमने करना है चिकन को ब्राउन। ठीक है जी, तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। चिकन उतनी देर तक पकाना है हमने, मतलब हल्का सा उसके ऊपर कलर आ जाए गोल्डन सा। इधर हमने एक कढ़ाई ले ली है मसाले के लिए, साथ जितनी देर में हमारा चिकन हो रहा है उतनी देर में हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें 1 बड़ी चम्मच के करीब हमने ज़ीरा डाल देना। ज़ीरा जो हो गया गर्म, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने कूट लिया था। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट हम चिकन में भी डालेंगे। साथ ही हम डाल देंगे प्याज, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट अदरक लहसुन जो है वो जल्दी गोल्डन हो जाते हैं, इसलिए साथ ही हमने प्याज भी डाल देने हैं। इनको भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमने प्याज को। ये देखें जी, इधर हमारा जो चिकन है वो भी अपना रंग चेंज कर रहा है अच्छा अच्छा थोड़ा सा इसके ऊपर नमक भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं मैं डालूंगी। जैसे ही ये होते हैं गोल्डन से नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो साथ ही इसमें हमने डाल देने हैं टमाटर और हरी मिर्च, 2 अदर मैंने इस तरह पील ऑफ करके टमाटरों को फिर छोटे छोटे पीसेस में काटा है। इसके साथ ही हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हमने मसाले में डालना है और 1 चम्मच हमने चिकन के ऊपर। टमाटरों के ऊपर नमक डालें तो वो जल्दी घुल जाते हैं और मसाले के साथ मिक्स हो जाते हैं। ज़्यादा हमने टमाटरों को भी नहीं पकाना, क्योंकि ये भी पकेंगे चिकन के साथ। इधर मसाला और ज़ीरा पाउडर था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ताकि वो टमाटर के साथ अच्छे से पक जाए। लहसुन अदरक और मसाले की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम को करेंगे आहिस्ता, चिकन को देखेंगे, चिकन तकरीबन हमारा तैयार है, थोड़ी देर और इसको अभी हमने गोल्डन करना है। अभी इसमें जाएगा 1/2 प्याली दही। फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता करना है आपने, ये देखें बिल्कुल स्लो है। दही डालने से पहले हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो करना है।
ताकि दही हमारा जो है वो फटे ना, अलग से नज़र ना आए। जैसे ये मिक्स हो जाता है फ्लेम को हमने तेज़ कर देना। चिकन हमारा गोल्डन हो गया, उसको हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। गोश्त हमने सारा इसमें डाल लिया, अब इसके साथ मसाले के साथ हमने चिकन को भूनना है। ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो एक जैसे हो जाए। चूल्हे को अब हमने कर देना तेज़। बड़ी जल्दी बन जाती है ये वाली ग्रेवी वाली चिकन, तो खुद भी खाएं बच्चों को भी खिलाएं। मेरे हस्बैंड को ये बड़ी पसंद है ग्रेवी वाली चिकन। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है जिसको मैंने हाथों में मसल के तो फिर इधर रखा है। मेरी अम्मी कहा करती थी कि कसूरी मेथी को हाथों से मसलने में अपना ही एक टेस्ट आता है तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। ये मैंने डाल दी कसूरी मेथी, लजीज ग्रेवी वाली चिकन तैयार है। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, हस्बैंड को भी खिलाएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।